जिक्र कयूं था टॉप स्टोरी में त कराची जे मसलन ते कोऑर्डिनेशन कमेटी ठाही वई जंहिं ते सिंध हुकूमत ते तनक़ीद थी रही आहे इन ते एहतजाज भी थिया आहिनि। हाणे कराची ऐं ॿियनि इलाइक़नि ते ठहियल कोऑर्डिनेशन कमेटी खां पोइ मामिलो साम्हूं अचे पियो कराची जे समुंड सां लॻंदड़ ॿिनि ॿेटनि जो, डिंगी ऐं भुंडार ॿेट, जिन ते माहिगीरनि जो इहो चवणु आहे त इहे उन्हनि जे गुज़र सफ़र जे लाइ अहम आहिनि। इते के बि शहर अॾण सां उन्हनि जा जेके दंग आहिनि उहे तमामु घणा मुतासिर थींदा ऐं मुहाणनि जो जेको मच्छी मारण जो सिलसिलो सदियुनि खां हलंदो पियो अचे उहो तमामु घणो मुतासिर थींदो। अवां खे आगाह कयूं त फिशर फोक फोरम जे सरबराह मोहम्मद अली शाह जो चवणु आहे त कराची पोर्ट ट्रस्ट, DHA ऐं पोर्ट कासिम पहिरियां ई मच्छी मारण जे लाइ मुहाणनि जा केतिरा ई गस बंदि करे छॾिया आहिनि। ऊने समुंड में मुहाणनि जे वञण जा हाणे बाक़ी 2 हंध बचा आहिनि, 2 लंघा आहिनि जेके डंगी ऐं भुंडार ॿेटनि खां थींदे वञनि था। अगरि इन्हनि ॿेटनि ते बि वफ़ाक या सूबाई हुकूमत कंहिं बि क़िस्म जो को हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कयो त इते मुहाणनि जे मईशत ते तमामु घणो असरु पवंदो ऐं मुहाणनि जो मुआशी क़तल करणु बराबरि हूंदो। इन ई मामले ते असां टॉप स्टोरी में ज़िक्र कंदासीं। असां सां गॾु एडवोकेट यूसुफ़ लगारी ऐं फिशर फोक फोरम जा सरबराह मोहम्मद अली शाह ऐं पंहिंजो रिपोर्टर दोदो चांडियो भी हूंदो। शुरूआति कयूं था फिशर फोक फोरम जे सरबराह मोहम्मद अली शाह सां। मोहम्मद अली शाह साहब, वॾी महिरबानी टाइम न्यूज़ खे वक़्तु ॾियण जे लाइ। आगाह कजो त हीअ जेके 2 ॿेट आहिनि, डिंगी ऐं भुंडार, केतिरा अहम आहिनि मुहाणनि जे लाइ? मोहम्मद अली शाह साहब खे असां ॿीहर टेलीफोन लाइन ते वठण जी कोशिशि कयूं था। असां सां गॾु एडवोकेट यूसुफ़ लगारी साहबु आहिनि। यूसुफ़ साहबु, वॾी महिरबानी टाइम न्यूज़ खे वक़्तु ॾियण जे लाइ। आगाह कजो त हीअ जेके डिंगी ऐं भुंडार ॿेट जिन ते क्लेम कयो पियो वञे सिंध सरकार जो, इहो चवणु आहे त या उन्हनि जी मिल्कियत आहे, वफ़ाक खे न ते कंहिं बि क़िस्म जे हाउसिंग प्रोजेक्ट जी शुरूआति करणु न ॾिनी वेंदी, छो जो मौशी तौर ते ऐं मुहाणनि जे लाइ ईअं चए त लाइफ लाइन आहिनि हिकिड़ी। सिंध हुकूमत कंहिं बि अहिड़े प्रोजेक्ट खे चैलेंज करे सघे थी जेको वफ़ाकी सरकार अगरि शुरू करे थी? ते तव्हांखे इहो ख़बर हुअणु खपे त ॿेट जेके ठहंदा आहिनि जिते समुंड पोइ ते अचणो आहे, दरिया जो पाणी मिलंदो आहे या ॿियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जंहिंजे करे समुंड खे पोइ ते अचणो पवंदो आहे। उन मां रिक्लेमेशन जेका थींदी आहे, बनी जेका बचंदी आहे रेत थींदो आहे या समुंड पासे थींदो आहे जेका बचंदी आहे उनखे ॿेट चवंदा आहिनि। जीअं 1916 खां वठी तव्हां ॾिसंदो त बोट बेसन या ॿिया इहे क्लिफ्टन, इहे 1916 खां जा आहिनि। इहे ॿेट आहिनि, इहे सिंध हुकूमत जे हवाले आहिनि, सिंध जा आहिनि। ऐं हू बि जेका सूबे जी ज़मीन ठहे थी सां सूबे जी थींदी, कानूनी तौर ते इंटरनेशनल कानून मुताबिक़ भले पाकिस्तान जे कानून मुताबिक़ इहे ॿेट जेके आहिनि सिंध सूबे जा आहिनि। इहे ॿेट मूंखे सालनि खां आहिनि, उनजो मसइलो आहे सालनि खां आहिनि या हींअर खां आहिनि पाकिस्तान ठहण खां पोइ, कॾहिं बि ठहनि, हींअर बि जेको नओं ॿेट ठहंदो त सिंध जी मिल्कियत हूंदो। तव्हां ॾिसो न माली सॼो मुल्क जेको आहे ॿेटनि ते आहे, मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ॿेटनि ते आहे। अहिड़ी तरह सां ॿेट जेके बि ठहंदा आहिनि से सूबे जी मिल्कियत हूंदा आहिनि, सूबे जे हंधि वेंदा आहिनि। यूसुफ साहब, तव्हां सां गॾु मौजूदु रहो। इन ई मामले ते असां फिशर फोक फोरम जे सरबराह मोहम्मद अली शाह साहब सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मोहम्मद अली शाह साहब, वरी महिरबानी टाइम न्यूज़ खे वक़्तु ॾियण जे लाइ। हीअ जेके 2 ॿेट आहिनि, डिंगी ऐं भुंडार, मुहाणनि जे लाइ तमामु घणी अहमियत रखनि था। इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू खां बि इहे तमामु घणा अहम आहिनि। इते मैंग्रोव्स जा जंगल आहिनि। इते अगरि कोई मनसूबो शुरू कयो थो वञे सिंध सरकार तर्फ़ां या वफ़ाकी हुकूमत तर्फ़ां, इन खां पहिरियां सिंध सरकार जे हवाले सां बि इहो चयो वियो त इन साॻी ई हिकिड़ी हाउसिंग कंपनी खे इहे 2 ॿेट ॾिना पिया वञनि ऐं शायदि मलिक रियाज़ हिते कोई हाउसिंग स्कीम शुरू कंदो, पर हाणे फ़िलहालु उनजो ज़िक्र न पियो कयो वञे। मुहाणनि जे लाइ इहे 2 ॿेट केतिरा अहम आहिनि? पहिरीं ॻाल्हि त आउं तव्हांखे ॿुधाए थो हलां त इहे जेके ॿेट आहिनि इहे सिंधु दरिया ठाहिया आहिनि। सिंधु दरिया माज़ी में पुरंगी फिटी क्रीक ताईं जेको आहे सो छोड़ कंदो हो, ऐं हीअ ॿेट जेके आहिनि उहो डेल्टा जो पार्ट आहिनि। सिंध जे कोस्टल एरिया में 300 खां मथे वॾा नंढा ॿेट आहिनि। केटी बंदर, खारो शान, शाह बंदर जे ॿेटनि में अञा बि जेको आहे सो माण्हुनि जूं माइग्रेंट जूं आबादियूं हुते जेको आहे सो क़ाइमु आहिनि, उते रहनि था। हे 2 ॿेट जीअं त जेको तमामु वॾा ॿेट आहिनि, इहे इब्राहिम हैदरी जे बिल्कुलु वेझो आहिनि, ऐं कुरंगी हिकिड़ो ॿेट कुरंगी क्रीक जे कप ते आहे, ॿियो ॿेट जेको आहे उहो सिटी क्रीक जे कप ते आहे। छो त हिन हिन ॿेटनि जे विकिरे जो सिलसिलो जेको आहे जनरल परवेज़ मुशरफ जे दौर में 2006 में थियो हो, ऐं इहा ॿेट जेके आहिनि पंहिंजो दुबई बेस्ड कंपनी अमार खे जेको आहे विकिरा कया विया हुआ। उहा अमार कंपनी हिते डायमंड बार आल सिटी जे नाले सां हिकिड़ो वॾो शहर, हिकिड़ो जदीद शहर जेको आहे सो अॾण ते विया।
जैसे असा खबर पी तो भाई बेट विकजी वन इन बेट के विकड़ के माइग्रेंट जी गस्त वो बंद थी वा मैंग्रोव बेला जी तबाह थी वा ये माइग्रेंट जहाँ जी तो फिशिंग ग्राउंड्स इतने माइग्रेंट जहाँ फिशिंग ग्राउंड जी वो खत्म थी वा उन अस तमाम वही तैरीख हल्ती उन वक्त जिते आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर भी वो कायम थी चुको वा हाल ऑफिसों जन्म पर मुशरफ उन वक्त वजीर अजम शौकत अजीज इन इफ्तदा कर आया पे पर असं ऐलान किया इफ्तदा थो तो असं घेराव कहीं जैसे नतीजे में उन्होंने इफ्तदा न कर असं एम आर कंपनी के भी लिखियोसी दुबई के किंग के भी लिखियोसी जम आर कंपनी इतना वापस निकली वही उनका वरी पीपल्स पार्टी के दौर में ये मलक रियाज के हवाले क्या वही मलक रियाज इतने शहर ठाई पर वो जो उन अमल न थो पर हिंसर जो हाँ जी तो माजी में भी जो बेटन से शेर अडण के खिलाफ जी भी जिदोजहद हली सही सिंध जो मुखालत कई पर हुकूमत जो अना बाकायदा फैसलो जो वापस न वरतो है इन कर हाँ पीटीआई की हुकूमत इमरान खान जो इतने जो शेर ठाने जो ऐलान किया हाँ कड़े कंपनी के हवा करे तो उनमें बसा नजर अचे जो खर्चा असा या तो जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जरिए जो ये शेयर अडियो वो या जो बेट जी मलक रियाज के हवा क्या वा इतने शेयर जो अडियो वो जैसे जो शेयर अटजे तो कड़े भी नाले से तो पहली गाल तो जो पूरी इतने जी बिन्हीं क्रीक की जी मेरीन इकोलॉजी है वो मेरीन इकोलॉजी जो तबाह थी वी फिशिंग ग्राउंड जी माइग्रेंट जहाँ जी हजार की तादाद में माइग्र पानी माइग्री कहो पे रो तारीखी रोजगार में बेदखल थी वा फिशिंग ग्राउंड जो वो तबाह थी वा जी तमर जहाँ जी बेल जी मछियन जो नर्सरियन जी शहर जी मुहाफ़िज तमर जहाँ बेल वो जो वे पैमाने से जो कटाया वा तबाह क्या वा इन के अलावा माइग्र जैसे ओपन सी में फिशिंग करा तो उनका ब गुजरगाह हुआ मोहम्मद अली शाह साहब इनका पहला जो असा माहीगिरन जे गुजरगाहन जो जिक्र कयो अवां जो चमणा है त कराची पोर्ट ट्रस्ट हुजे डीएचए पोर्ट कासिम इनन पेरियां ही जेका फ्री मूवमेंट हुंदी ही मोहाणन जी इनखा पेरियां मच्छी मारण जे लाइ उहा रोके छॾी आहे इहे भई बेट जेके इन अगर इनन ते आबादकारी थिए थी त उनन जो जेको गुज़र आहे उहो ई मुकमल तौर ते बंदि थी वेंदो त इहो त मुआशी क़तल हूंदो मोहाणन जो जी बिल्कुल यो अमल जो है हुकूमत जो माशी कत्ल अस अगे भी चवेसा माइग्रेंट माशी कत्ल कर वो पा मेरीन इकोलॉजी के तबाह कर वो पा तिमर बेल जो खत्म कर वो पा जो शहर ठहंदा इन बिन बेटन से शहर ठाया तो आहिस्ते आहिस्ते जो सजी सिंध के कोस्टल रैम जी नंढा वा बेट हैं वो सब जो कब्जे में अची वा इन से पूरी मेरीन इकोलॉजी तबाह थी वी माइग्रेंट जहाँ रोजगार जो तबाह थी वा तिमर जहाँ बेला हुई जो घटी चुका अड़े शहर अर्जन के अजा जो तिमर जो बेला तबाह थी असल में जो हि कोर्ट कासम जी वो चे थी जो असा इलाको है असानी जो ये हद है सिंध गवर्नमेंट चे थी जो असानी हद है सिंध गवर्नमेंट पाई जगह तो सही है पर सिंध गवर्नमेंट ये नी चे तो जो हद असानी है एरिया असो है छो तो जीरो नॉटिकल माइल का 12 नॉटिकल माइल जो है वो समुंड सूबे की मलकियत हों सूबे जो उन इख्तियार हों पर सूबो मलकियत जो तो देखो दावा करे थी पर ये नी ऐलान करे तो भाई जो ये मलकियत असानी है इतने जो शहर अटजन न घुर्ज छो तो शहर अटजन से जो लखे मोहम्मद अली शाह साहब तां सां सगे टेलीफोन लाइन ते मौजूद रहो अज सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब भी इन हवाले से मौकफ़ दिनों है पांजो तो उनका असा अपडेट्स मालूम था करे वठूं असा रिपोर्टर दोदो चांडियो भी हिंसर असा सगे टेलीफोन लाइन ते आहिन दोदो असा आगाह कजो पीपल्स पार्टी बिन्हीं पासन का खेड़े पई वफाकी हुकूमत सामूं वाज़े मौकफ़ न पई रखे अज मुर्तज़ा वहाब जो ये चवणा है कें भी सूरत में अड़े कें भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हिमायत न कई वेंदी जेको भी फिशर फोक फोरम जो मोहाणन जो मौकिफ हों तस्लीम कर वेंदो इन ते जी सिंध को मुर्तज़ा वहाब का मूं यो सवाल कयो वजीर अजम जे ऐलान जे वजीर अजम जी 2 साल मुकमल छा उन जे इख्तदार के
तो उन दौरान उन ऐलान क्या यो ऐलान किया तो कराची के डिंगी बुंदाल बेटन के असा ब जारा शहर हलूँ पाया तो ये सागे सवाल मुर्ताब आप उनको मौकफ सामू आयो तो न असा सोनिया या जमीन जी वह असान जमीन सिंध गवर्नमेंट की इनमें कुछ शक को खुद ताजो जो अदालती फैसलो आयो उन्होंने लिखो तो जे समुंड में जमीन पैदा थे थी या समुंड के वेझो जो साईं मोहम्मद अली शाह बुधा जीरो का वी जो नाटकुल महल समुंड के हवाले से असम सूबाई हुकूमत की हुए थी पर बुनियादी तौर उनके रोकण के लिए उपाव कड़ा वा कन उन हिसाब से को सामू मौकफ जो को असम गवर्नमेंट जो इो ही मौकफ है तो असा जमीन उन्होंने दिनी ना है पर माजी में असा चाहिए सिंध गवर्नमेंट उन दौर जहाँ सूबाई गवर्नमेंट ही हालांकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है सिंध के मानों के वोट में चूंडियल है उन दौर में अरबाब गुलाम रहीम की एकड़े वोट वाली सूबाई सरकार हुई साईं मोहम्मद अली शाह के याद हों माहिगीर की तमाम वही तहरीक हली लठबाजू थी पुलिस जो तमाम घने नमूने से उनके कुचलण की कोशिश कई उन मूवमेंट के पर उन भी वफा के खत लिखो तो ते नियो सिंध गवर्नमेंट की है ये इशू थी उन वो प्रेशर कबूल करे आखिर में ये हथ खया हुआ उन कप्तन भी खया हुआ पर मौजूदा जो हुकूमत है वह ये मान की नी कर बेटन के हवाले से उत मोर्चा ठही वह बेटन से उत गार्ड वे मुख्तलिफ इदार उनवा समुझ जो उनके बेच जो अगते वाए थी पी इन की क्रीक अद का लटे छी यानी पर्दा हाँ सारी रात के दफ्तर हलन था और पत्थर उछलन था इन आस्ते आस्ते यो गस्त है क्रीक जो ये सो बंद पा था कन उनके रोकण के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल का कोशिश को मौकफ दियण तो सो मौकफ को अगर को साफ ही तरह सवाल करे तो उन सवाल के जवाब में मौकफ दिजे तो पर जी मानों की मालिकी करण घुर्जे ही एरिया जे माहिगीर जो कराची जो लखन में है शहर जो बानी हैं जैनी मोरले की मजार से उनका वही सन इब्राहिम शाह हैदर शाह के मेले में वो जी इब्राहिम हैदरी में अंदर दाखिल थीन था सन इतने डिंगी बुंडाल उनो कल्चरल रुगो गस्त है जी साईं मोहम्मद अली शाह बुधा तो समुद्र में वजन जहा पर खुद उतने माइकिन का मेला लगन था उनकी तारीखी अटैचमेंट भी तो उन बचाने के लिए ये सब मूल पीपल्स पार्टी वोटर इन इलाक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खटे थी पीपल्स पार्टी जो समुद्र के किनारे में ये जे माइकिर आबाद हैं ये सब पीपल्स पार्टी वोट दियन था पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है सिंध में पीपल्स पार्टी के इन मानों की मालकी करण घुर्जे साईं मोहम्मद अली शाह के छो जरूरत महसूस थे तो रोड से अची बैनर खड़ी बीहे प्रेस क्लब आदो बीहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इन वजीर अचन अग में ही चवन के चवन घुर्जे कराची शहर के अंदर ऐसो तो अगर अजीजाबाद में सेंट्रल जिले में नाजमाबाद में बरसाती पानी बीहे तो उन चूडल नुमाइंदा जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी के भी वोटर्स के ओन करण घुर्जे न सिर्फ इब्राहिम हैदरी कराची की साहिली पट्टी में पर पूरे सिंध में ही इन मामले से थोड़ो कानूनी पासो भी उनको भी जायजो वूँ था गद सीनियर कानूनदान यूसुफ लगारी साहब भी आए यूसुफ साहब सब का पैर अरबाब गुलाम रहीम के दौर में इमार कंपनी के ये बेट जे उ दिना वह वो वापस थिया इन पैर जुल्फिकार आबाद जो प्रोजेक्ट हो उन में भी इन बिन बेटन से मुख्तलिफ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हाउसिंग स्कीम्स शुरू करण जहाँ प्लान्स ठहंदा रहा बीहर इनके जो है वो शेल्फ किया वो एक दफो बीहर चाहे DHA हुए उन मुसलसल अख है इन बिन बेटन से मलिक रियाज बहरिया टाउन मुसलसल कब्जो करण चाहे तो सिंध हुकूमत के वाजे तौर पर का पॉलिसी इख्तियार करण घुर्जे पर सिंध हुकूमत जी पीपल्स पार्टी की डिप्लोमैटिक वे में पोड़ो मौकफ रखे थी तो अस खिलाफ भी आयूँ वक्तन से वो अड़ियं शूं कह रहन था जैसा जी उतं जहाँ मकामी मूल तमाम घड़ा इनसिक्योर एडवोकेट सिंध हुस तरह फिशरीज मुझे जो खाधो हो उनमें यो हों डंटू ये जो डंटू या मच्छी मारने का जो हक है लाइसेंस दिना हुआ उनमें 80% खंड लाइसेंस वो भी परसेंट मिल वेचारे माने के वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो फैसलो आयो तेरे एडवोकेट सिंध हुकूमत की तरफा गारंटी दिनी तो असो लाइसेंस को ना सुप्रीम कोर्ट लाइसेंस से बंदिश भी दी और माने जो हक तस्लीम कदे कि जो मानो है उनके रजिस्टर किया हुए उन्होंने मच्छी मारने का हक है बे कें ना तेज कर यो रोजगार जो है मच्छी मारने वाले जो हक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन में आए जहां मोहम्मद अली शाह साहब के पूरी खबर भी है उनका सवाल अच्छी जो बेट हैं जो हकीकत में ऐसा खपन तो सिंध के सर्वे कराने खपे सर्वे लैंड तौर से करें रेवन्यू रिकॉर्ड में शामिल करें मान के इलाज कर छे या बो तरीको यो भी है गोठ आबाद स्कीम तहत जे गोठ में वेठा माना
हिस्सों के गोठ डिक्लेयर करे उन मान के सलंग रे इलाज करे ते ये अगते रते कमजोर थी सके शहर न ब्लड थी सके रिकवर न थी सके न तो भी हालत में जो आए जो सुद असा के इतबार कोले तो सिंध हुकूमत ने केतरो पतेगी या मरकज हुकूमत जो केतरो ताकतवर आए या मरकज हुकूमत ने छाती कर दी सब का वधिक यो थी दो तो जेकर इते ये शहर थे या ये बेटो ने जो हवाले किया ये लाइसेंस बची जा जे फिशिंग के डीप फिशिंग के असत में बिन कंप्लेन के मिलदा आते जे के जा जीदा पर मछी मारी दा एच छ चुन जो घट में घट सट से को मछी दे गुजारो जो शहर जो है वो खत्म थी दो मछी खोराक की कमी पैदा थी दी सिंध हुकूमत पान जे का बेवस थी दी ए करे जरूरी यो है सिंध असेंबली जो को है उनमें रेजोल्यूशन पास कर वजे ये बेटो न जा रन मान के न वजन मान के सनद न वजन आइन मान जे नाल रिजिक ठका वजन यूसुफ लगारी साहब बिल्कुल इन बेटन के एकड़ो फ्री जोन करार दिनो वने बजाय इन जे जो इते का आबादगारी थे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तौर ते इन के एकड़ो फ्री जोन तौर रखियो वने सिंध सरकार जेस तई कुछ करे सो करे पर अगर फिशर फोक फोरम पांजे पैनल ता इन बेटन के बचाण चाहे थी तो उनन वट केड़ा कानूनी रस्ता है अड़े तरीके से असने रिहायश के कर खे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो सहारो वे मोड़ी जजमेंट जो तफसील दिना पर समझा तो मोहम्मद रिशाद तफसील हूं अस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के भी सूंता कानूनी तौर से अस उतें रहूं था असो हक है पैर सदन का रहूं था तेरी जो है गवर्नमेंट की जमीन भी जैसे असा बारह साल का मत कर्ज कब्जे में रहे थी या चालीस साल का मत कब्जे में होता ऑटोमेटिकली असं मालिक थी हूं जिन मान के खे प्रेशर फोक के खे तो कानूनी सलाह वे पॉलिटिकल मूवमेंट भी हलए और सिंध असेंबली के विस्तार करें सिंध हुकूमत के खे वाकिफ वाजे मौको करें बी हाल में जो सिविल सोसाइटी है उनके भरपूर माहौल हलण खे तद ये बेट बची सदा न तो ये मिल्कियत वाला बेट एक टूरिस्ट लाई सुठो चाहे इतलाफ सुठा थी सकन था सिंध हुकूमत की आमदनी बीड़ी चौड़ी थी सके थी कराची का वही जैसे मरकज भी खड़ी सके थी या प्राइवेट मानू मतलब रिहा जड़ा बया खड़ी जैसे हिल्के असेंगे मामा लड़ खे असेंगे तक शाबाश है टाइम की वक्ती तौर से पूरे वक्त से इन इशू के खो है इशू के जाहिर किया है मुझे खबर है मैं समझा तो इशू पढ़ था ये अवामी इशू थी इंशाला तरह अवाम जो है फिशर कोक था मोहन से करूँ थी जी बिल्कुल यूसुफ साहब असा टाइम न्यूज के पैनल ता हर उन इशू के सामू आणींदा आयु जो सिंध के अवाम के लिए अहमियत रखे तो मोहम्मद अली शाह साहब इन बेटन जो इन वक्त मौजूदा स्टेटस है सिंध सरकार इन पैरा मुख्तलिफ मुहिदा कया मलिक रियाज के ये बेट दियण के हवाले से काफ़ी गालू सामू आयु अवामी प्रेशर का पोए उ मनसूबा बीहर दबजी वाया किथे ये तो ना तो एक दफो बीहर वफाकी सरकार हुए या सिंध सरकार हुए अंदरूनी तौर से उन्होंने डील्स क्यों जी बिल्कुल एक खर्चा मौजूद है एक क्लियर थे खे तो ये बेट जीरो नॉटिकल माइल का बारह नॉटिकल माइल जो है वो सूबे सिंध जो इख्तियार है उनकी ही मलकियत है माजी में जो पोर्ट कासम के सिंध हुकूमत जी जमीन दिनी वो सिर्फ जो सो पोर्ट के पर्पज ला करें कानूनी तरीके से पोर्ट कासम के यो अख्तियारी ना है यो जो सो पोर्ट के लिए दिनल जमीन जो है वो कें थर्ड पार्टी से या कें कंपनी से जो सो विकरो करें यो उनको जो अमल है वो बिल्कुल गैर कानूनी थो इन हुकूमत सिंध के खासतौर पीपल्स पार्टी के यो वाजे ऐलान करो पव तो सो ये इलाका ये बेट जन सिंध की मलकियत है इतने जो सो कें कंपनी के ना विकरो थो ये माइग्रेंट जा इलाका मच्छी मार ये असल में इनका वारस जो माहीगीर इन करो इतने कें किस्म जो शेयर अडण न दिनो वो यो सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी के वाजे ऐलान करो पव मोहम्मद अली शाह साहब अजू ही वो बयान सामू आयो है मुर्तजा वहाब जो है उन भी दावा कई है तो इन पैरिया भी जैसे ये स्कैंडल्स सामू आया बिन्हीं बेटन के विक्रो कर पीपल्स पार्टी मोहानन से गड हुई वाकई ये हो जी उन वक्त 2006 में पीपल्स पार्टी इन मुखालफ कई हुई बेटन की पर ये हकीकत है
जड़े तरीके से मैदान में अच्छी असा कुलो कुलो में मिलाए बीहन हा उन वक्त पीपल्स पार्टी बेटन के हवाले से फिशर फोक की माइग्रेंट जदोजहद पीपल्स पार्टी बिल्कुल असा गड हुई पर बेटन के बारे मामले में उन वक्त भी पीपल्स पार्टी जो रवैयो हो वो बिल्कुल नरम हो ओपनली खुले तरीके से बेटन के विक्रे की मुखालफ जो पीपल्स पार्टी भी उन वक्त भी न कई हुई इन वक्त भी उनकी खामोशी है इन कर बिल्कुल वाजे ऐलान करण की जरूरत है वाजे पॉलिसी के ऐलान करण की जरूरत है तो ये बेट जे ये माइग्रेंट की मलकियत हैं ये माइग्रेंट जहा इलाका माइग्रेंट इतने रोजगार हासिल कन इतने कें किस्म ना विक्रो ये बेट ना ही इतने शेयर अब्जर्वेटिव जो शेयर इतने कायम थो तो सजे कोस्टल एरिया से कब्जो थो भी हमें ओ पे सामुंडी किनारे कराची की 129 किलोमीटर जी कोस्ट लाइन है उसे हु कब्जा थी चुका मुख्तलिफ कंपनियों मुख्तलिफ जो लैंड ग्रेबर्स उन्होंने कब्जा किया इन करो ये इन वक्त की जरूरत है तो जो ये न थे तो एकड़े बेट से जगह शेयर हलो तो सिंध जहाँ जी 300 का मत वा ना बेट है उन समूरन बेटन से कब्जा थी वा उत शेयर हटि वा पाकिस्तान फिशर फोरम कल मीटिंग कई है असा जो जदोजहद जो ऐलान करण वनू पा बेटन के विक्रे के खिलाफ असा अरबा के लिए कराची प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें असा पाने जिद मरल वार जदोजहद जो बाकायदा शेड्यूल जो उसे अनाउंस कहे मोहम्मद अली शाह साहब उ तो असो वजीर आजम माहौलियात के हवाले से तमाम घड़ो दिलचस्पी भी वो है माहौलियात से अलावा वणकारी की मुहिम के भी वो लीड कह रहे तो मुख्तलिफ इलाक में उन्होंने वणकारी मुहिम जो शुरू कई है इन मेटन से मैंग्रोव की का वणकारी मुहिम छो नी शुरू कई वे इन अलावा टूरिज्म के लिहाज का भी अगर मकामी मानून के रोजगार दियण जो ही कोई अड़ो मनसूबो रखे थी वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत तो इन मेटन के टूरिज्म के तौर पर जरूरी है ते के आबादकारियों शहर ही अजा वन जी टूरिज्म टूरिज्म शुरू करो तो वो इंडस्ट्रियल कमर्शियल टूरिज्म ना हो तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल टूरिज्म भी जो है माहौलियात के मेरीन इकोलॉजी के तबाह कह सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड जो अगर टूरिज्म कजे तो जैसा माइग्रेंट का फायदो थे वो तो ठीक है पर जो इनको प्लान है तो असर कमर्शियल इंडस्ट्रियल लेवल से इतने टूरिज्म शुरू क्यों तो यो भी जो नुकसानकार बाकी वजीर अजम जी तुम गाल कई वजीर अजम मुख्य नो लगे जो पाकिस्तान की जी माहौलियात तबाह पी थे पानी की माहौलियात तबाह पी थे समुंड की माहौलियात तबाह पी थे उनको एडो ज्यादा तवजो है बिल्कुल ना असर नो अच अमली तौर चवण अलग आ रहा पर अमली तौर उनको भी अमल असा नजर नो अच सिंध में वजीर आजम जो को अमल नथो नजर अचे सिर्फ वण जी केपीके में लगाया था वन मोहम्मद अली शाह साहब आखिर में अवे पुछण चाहिंदे अवे बुधा तो पोर्ट कासिम इन का पे भी मुख्तलिफ जमीनों से जो कब्जन वाली जी डीलिंग थी रही है पोर्ट कासिम इन का पे भी इलाके जहाँ जी माहीगीर या उन मच्छी मारण वे अमल में रंडकू विझो रो है जी बिल्कुल पोर्ट कासिम जो है उसे हाँ पोर्ट ना है पोर्ट कासिम तो एरिया के अंदर समझा तो 200 का मथे फैक्ट्रीज के जो उसे उन फैक्ट्री लगाने की इजाजत दिनी है उसे फैक्ट्री कायम आन इन अलावा ही जो जित पोर्ट कासिम जे क्रीक से है समुद्र किनारे पे है हाँ जो इब्राहिम इदरी जहा रेड़ी जहा लटबसी जहा माइगिर जी उतना गुजरी था सकन छो तो जिते पोर्ट कासिम ठहल है वो खुद भी जो तारीखी तौर माइग्रेंट जहा फिशिंग ग्राउंड हुआ अज जो उतना माहीगीर जो है वो बेदखल थी चुका उसे मच्छी मारे ना सन जर उन तरफ वन तो जो पकड़ा वन उन्होंने जो ज्यादा तशद थे तो उनके पकड़ो वे तो बंद किया तो वे तो पोर्ट कासिम जो रवैयो है माइग्र से बिल्कुल सही ना है माइग्र दुश्मन उनको रवैयो है पोर्ट कासिम वी फैक्ट्री लगल उन फैक्ट्री जो सीधो सौ जो वेस्टेज है वो समुंड में डंप कर समुंड की माहौलियात के तबाह किया तो वे सवे तादाद में सवन एकड़ के तादाद में पोर्ट कासिम जो मुख्तलिफ कंपनियों के जी इतने फैक्ट्री लगाने दिन उन मैंग्रोव जेला कटी आन हिंर जो ताजो बिल्कुल लटबसी के भरसा लकी कोल पावर प्लांट तामीर थे पो लकी कोल पावर प्लांट जो है
उन्हों जेटी कायम करोल जेटी कायम कर सवे एकड़ मैंग्रोव जो बेल कटिया हाँ उन्होंने भी जो माइग्रेंट जहा गप बंद कर छिया सो मादी में अज भी कोर्ट शासन जो रवैयो मोहम्मद अली शाह साहब वफाकी वजीर अली जैदी से कदें मुलाकात कर यो मामलो उथारो है वो कराची की मालिकी की दावा कन था वफाकी वजीर अली जैदी के हेठा ये जे पोर्ट्स की मिनिस्ट्री अचे थी उन सामू कद यो मामलो उथारो वो खैर अली जैदी से न मिलो कदें पर अली जैदी तो खैर हिंसर आया शुरू का वी चाहे कें भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत होते जो मुस्लिम लीग की हुकूमत हो पर माइग्रेंट जो अजालो जो है वो कदें भी न कयो वियो आहे तमाम घणी हाय गोड़ा कई वेंदी आहे मीडिया से जो पासो माइग्रेंट के इशू से जो पासो हाईलाइट कया वेंदा आहिनि इन पॉडकास्ट में जो माइग्रेंट सां ज्यादती कंदो रहियो आहे उन ते तमाम घणी हाय गोड़ा माइग्रेंट कंदा रहिया आहिनि मीडिया के थ्रू ऐं खुद हुकूमत के भी जो पासो गाईंदा रहिया आहिनि ऐं लिख पढ़ भी थींदी रही आहे पर जो पासो अॼु ॾींहुं ताईं कंहिं का बि हुकूमत जो पासो माइग्रेंट जो अजालो न कयो आहे माइग्रेंट जा जेके गस बंद कया विया आहिनि उहो गस न खुलण ॾिना ॾियनि अॼु बि पोर्ट कासम जूं ज़्यादतियूं जेके आहिनि माइग्रेंट सां जारी आहिनि ऐं जेकर इन क़िस्म जा शेयर अॾिया त माइग्रेंट जेके आहिनि रोज़गार त परे जी ॻाल्हि आहे हितां जेको आहे गुज़री जेको आहे ओपन सी में बि जेको गहरे समुंड में बि जेको आहे मच्छी मारण न वञी सघंदा मोहम्मद अली शाह साहब फिलहाल तो ही मामलो अना शुरू थो है हाँ अगतों की हिकमत अमली तहजी होंगी कदें सिंध सरकार से मुलाकात करें उन्होंने न बाबत आगाही दींदा तो सिंध सरकार के ओन करणो पवन उन्हें बेटन के नी तो सके पोर्ट कासिम या DHA या वफाकी हुकूमत बे कें तरीके से इन बेटन के टेक ओवर न कर वन जी बिल्कुल इन वक्त माइग्रेंट जहां इशू हिंसर सामू आया एकड़ा यह तो गैर कानूनी तरीके से अलग कड़ी कंपनियों जो सिंध हुकूमत भी उनते इंक्वायरी को करे 12 डीप सी ट्रॉलर जो इलीगल तरीके से कैपिटी बिहारा वह उन्होंने थी सके तो माइग्री जहा लाइसेंस दई वो वही माइग्री करे जो समुंड जी वसील माइग्री जी वसील वो तबाह कंदा एकड़ो यो अहम इशू है बो इशू जो बेटन के हवा बेटन के विकरे के हवाले से बीहर डिंगी भुंडार से शेयर अडो हुकूमत जो इरादो है इन बिन इशूज से जो अरबा के ढी पाकिस्तान फिशर फोरम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें पाँच जिदोजहद जो शेड्यूल जो अस अनाउंस कंदी असन डीप सी टाल के खिलाफ भी जो आवाज़ उथारी ये जो टिंगी भुंडार जी बेट जी असि माइग्रेंट की जिंदगी माइग्रेंट की जो रोजगार जहा जरिया उनके विकरे के खिलाफ जो है असान जो सो बायदा जिदोजहद जो ऐलान कदी जी माजी में अस जिदोजहद कई एक दफो बीहर जो सो अस जिदोजहद पाई जारी रखासी सिंध हुकूमत के असारी अपील है मुतालबो है तो सिंध हुकूमत भी जो मौकफ जो सो वाजे करे बेटन की मालिकी करे मालिकी इन अंदाज से करे तो ये नतीजे जो सिंध हुकूमत भी मलकी असि इनको विक्रो अस कदी विक्रो ना बल्कि जो माइग्रेंट के लिए इनके स्टाफस दियण है इन किस्म की जो सिंध हुकूमत के मालिकी करना खे मोहान के इन बेटन जो विक्रो कें भी सूरत में कबूल न होंद मोहम्मद अली शाह साहब तमाम घनी मेहरबानी टाइम न्यूज़ से गलण के लिए इन मामले से असा सगत सीनियर कानूनदान यूसुफ लगारी साहब भी हुआ टाइम न्यूज़ रिपोर्टर दोदो चांडियो भी इन सूरत हाल बाबत असं अपडेट कर कराची के समुंड का थोड़ा अगते डिंगी ए भुंडार जहाँ वे बेट जो इंडस डेल्टा जो हिस्सो है वफाक बेटन से अगर शहर अडाण की का कोशिश कई तो सिंध सरकार के तर्जुमान जो चवण है तो उनकी मुखालफत कई वेंदी सिंध सरकार बेटन के मोहाणन की मर्जी ए मालिकी के तस्लीम कर वरतो है पर मोहम्मद अली शाह साहब जो चवण है तो सिर्फ बयान न पर अमली कदम खड़ना पवंदा यूसुफ लगारी सीनियर कानूनदान जो चवण है तो अगर वफाकी हुकूमत इनते अजारादारी कायम करे थी को क्लेम कयो तो वने तो सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी राबतो करे सके थी बेटन के बचाण तमाम घणो जरूरी है कराची की माहौलियात के लिए इंडस डेल्टा की माहौलियात के लिए इन बिन्हीं बेटन के आबादकारी के मनसूबन का बचाण तमाम घणो जरूरी होंद पीपल्स पार्टी इन का पैर मुख्तलिफ दौर में मुखालफत भी कर चुकी है बहरिया टाउन समेत इमार कंपनी बन कंपनीज के ये बेट विक्रो कर मनसूबा तैयार रहा है पर मोहाणन सिंध के घणों घुरन की मुखालफत का अड़ा मनसूबा एक दफो बीहर बंद क्या वह हाँ बीहर ही मामलो थो है पर फिशर फोक फोरम जो चवण है कें भी सूरत में इन बेटन की जो विक्रो करण जो प्लान
इम्तिहान जोड़ो पे वो कबूल न किया वो इनकी भरपूर मज़ामत कई वेंदी। कराची पोर्ट ट्रस्ट DHA पोर्ट कासिम अथॉरिटीज़ की मुसलसल इन बिन बेटन से नजर आए इन बेटन से कब्जो कर चाहन था। कराची इंडस डेल्टा के बेन इलाकन जहाँ जी मीरपुर साकरो का वी कराची की पट्टी है उतां जहाँ मुहाना सख्त मुतासर थींदा पेरियां ही इन अथॉरिटीज़ इन वफाकी इदारन इन मुहाणन के सख्त परेशान किया है। इन मच्छी मारन जहाँ केतरा ही दंग बंद किया व्या मोहम्मद अली शाह चवण हो तो इन मामले से सिंध हुकूमत से भी मुशावरत कई वी सिंध हुकूमत से दबाव विधो वो तो इन बेटन की मालिकी कर मुहाणन जो माशी कतल थियण का बचा वे। टॉप स्टोरी में फिलहाल एतरो ही।